कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के तमन्नागरी में मकान के बाहर सो रहे दंपत्ति पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से बुला हमला, गंभीर हालत में अलीगढ़ किया रेफर। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के न्यू तमन्ना गढ़ी का है। यहां के निवासी हरिशंकर, उनकी पत्नी ममता अपने मकान के बाहर सड़क पर सो रहे थे कि रात्रि लगभग 1 बजे अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। घायलों की चीख पुकार और शोर मचने के बाद अज्ञात हमलावर भाग गए। वही दंपत्ति खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर एकत्रित हुए पड़ोसियों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना पर कोतवाली प्रभारी मुनीश चंद्रन अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और तत्काल घायल दंपत्ति को उपचार के लिए बागला अस्पताल भिजवाया। यहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया। क्या हुआ था? मेरा नाम शियाराम है। मैं यहाँ पड़ोस में बराबर में ही सोता हूँ। घटना किसके साथ हुई है? घटना हरिशंकर और हरिशंकर की घरवाली ममता के साथ हुई है। आपके कौन लगते हैं? वो मेरी मौसी का लड़का है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि वो यहाँ बराबर में सो रहे थे, उनके किसी ने गले काटे हैं दोनों के, और गला काटने के बाद वो चले गए हैं। उसके बाद उसने आवाज़ लगाई है, तैसे ही हम वहाँ से भागे हैं। लेकिन हम वहाँ से भागे हैं, हमने खूब टॉर्च लगा के देखा, हमने देखा कुछ नहीं है। कितने लोग थे ये नहीं मालूम? कुछ पता नहीं है। घटना कितने बजे की? घटना करीब 1:20 की है। तो दोनों के गले काटे हैं? जी। विवाद चल रहा है? विवाद विवाद की हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है साहब। क्या करते हैं इनके? ये चाय बेचते हैं। पत्नी क्या करती है? भैंस वो अपना सानी पत्ता दूध वूध काटती हैं, और क्या है उनका घरेलू काम है। किस जगह की घटना है ये? तमनाईगढ़ी न्यू कॉलोनी मीनाक्षी के पास। वही दंपति के साथ हुई इस घटना के बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी रुचि गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अब दंपति की हालत में सुधार है। आज दिनांक 18/8/2021 को थाना हाथरस गेट को सूचना प्राप्त होती है कि 17/18 की रात में न्यू तमन्नागढ़ी में घर से बाहर सो रहे पति पत्नी पर दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किसी धारदार चीज से हमला कर दिया गया, जिससे दोनों घायल हो गए। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया जाता है, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है।